रोहिणी के इन काटजू मार्ग इलाके में शुक्रवार शाम एक गैंगवार में हुक्का बार संचालक को शरीरार अंधाधुंध गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अनिल बंटू के रूप में हुई है। पुलिस को अंदेशा है कि वारदात के पीछे गैंगवार या पुरानी रंजिश हो सकती है। वारदात के बाद घटनास्थल पुलिस को मौके पर खाली और जिंदा कारतूस के खोल भी बरामद हुए हैं। वही बिल्डिंग के पिछले हिस्से में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की भी जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान खेड़ा निवासी अनिल उर्फ बंटू के रूप में हुई है। अनिल को खून से लथपथ हालात में शालीमार बाग के मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को वारदात की जगह से करीब 12 से ज्यादा कारतूस के खोल बरामद हुए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार अनिल की जिस तरह से हत्या हुई है वो गैंगवार का नतीजा हो सकता है। उसकी हत्या के पीछे 31 जुलाई को अशोक विहार में हुई बबलू खेड़ा की हत्या हो सकती है। गौरतलब है कि बबलू खेड़ा को गोली मार दी थी जब वो अपनी कार से अपने वकील से मिलकर घर जाने के लिए अपनी कार में बैठ रहा था। तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसे गोली मारी थी जिनमें उसका साथी बच गया था, लेकिन बबलू की मौत हो गई थी। वारदात में दिल्ली पुलिस ने परवेज मान को गिरफ्तार किया था। मृतक अनिल परवेज का रिश्तेदार है जो उसके जाने के बाद उसका रेस्टोरेंट और हुक्का बार चला रहा है। जिस तरह से अनिल की हत्या हुई है उससे लगता है कि बदमाश पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे। हमलावर बदमाश कार से आए थे जिनकी संख्या 2 थी। हमलावरों ने ही अनिल के पास से 2 पिस्तौल से गोली चलाई थी। वही रेस्टोरेंट और हुक्का बार में काम करने वाले युवक ने बताया कि वारदात के समय बाकी सभी लोग ऊपरी मंजिल पर थे। वो कुछ समय पहले ही हुक्का बार रेस्टोरेंट में काम करने आया था। ना सर, अंदर की साइड तो तू इनको पहले से जानता है? नहीं सर। इन मान रखो, कौन कौन थे इसके साथ में जो मरा है? मरा ओनली एक्सपायर बंटू भाई। बंटू एक्सपायर? वो दोनों भागे थे? नहीं, वो दोनों दूसरी गाड़ी की चाबी लेने गए थे। वो जब गोली लगी ना हड़बड़ाहट में गोली लगी, तब वो एकदम इधर उधर भागे। तीनों ने गोली चलाई उन्होंने? एक दो दो जनों ने गोली चलाई। कैसे थे? कितनी हाइट वाइट कितनी? पता नहीं सर, इतना तो मेरे को ध्यान नहीं। मेरे को बताया था उसने कि ऐसा ऐसे ये था। हमने बोला भाई हम आधे नीचे तो करे। मंजीत कौन है? मंजीत भाई है, भाई के साथ। क्या काम करता है मंजीत? यहीं बैठ के भाई के कहाँ का है मंजीत? वो नहीं पता भाई, वो भाई का मंजीत का पता नहीं तेरे को कहाँ? नहीं सर, पहले कहाँ करता था? पहले नहीं करता। ये किसका रेस्टोरेंट है? ये बंटू का, अनिल का। अनिल बंटू का? वैसे क्या काम करते हैं, क्या क्या मिलता है? सर सर्व करता हूँ मैं खाना वगैरह। नहीं, यहाँ पर फैमिली रेस्टोरेंट है या? वैसे ही है सर, वैसे ही रेस्टोरेंट है। शराब शुरू पीते हैं आदमी? नहीं सर। और हुक्का बार? अच्छा, कितने बजे की बात है, क्या बात है? सर ये 4:30-4:45 बजे के आस पास की बात है। तू क्या कर रहा था ऊपर? मैं सर ऊपर बैठा हुआ था, मैं क्राउड संभाल रहा था। कितना क्राउड था? क्राउड ज़्यादा नहीं था, 4-5 लोग। फिर क्या देखा आपने, क्या हुआ था? सर मैं तो नीचे आ रहा था तो एकदम भाई ने बताया कि ऐसे ऐसे बंटू भाई की गोली लग गई, तो मैं जब ऊपर जा रहा था चाबी लेने, भाई ने बोला मुझसे कि चाबी। किसने बताया तेरे को? भाई ने बताया था नीचे कि ऐसे जब जल्दी से चाबी ले गया। इतना सुना मैं तो कोई, और ऊपर से जब बंटू नीचे आया तो उसके साथ और कौन? उनके साथ जीत मान थे और विक्की भाई। जीत कहाँ का है? खेड़ा का। और विक्की भी खेड़ा का? ये उसके परिवार में ही थे? पता नहीं सर, इतना मेरे को पता नहीं। वो यहीं बैठते थे? हाँ जी सर, कभी कभार आते थे भाई। और तो वैसे तो ये हमारे साथ कैशियर है, कैशियर भाई ही संभाल रहे ये कैशियर। तो ये 4:30-5 बजे गया। कितने लोग थे जिन्होंने जो आए थे गोली मारने? कितने लोग? 3 जने थे। 3 लोग थे? गाड़ी देखी थी मैंने तो अभी इतना ध्यान नहीं है। यहाँ बता रहे थे कपड़े चल रहा है, उसका बार यहाँ पे
कवर कब से चल रहे हैं सर? पता